Good morning, everyone. Welcome back to our channel and hope you all are doing well. हम लोग भी ठीक ठाक है. सुबह का ब्लॉग मैं पोस्ट कर चुकी हूँ. आज है हम लोगों का 12th एनिवर्सरी. एक्चुअली 12th बहुत कम हो जाएगा मैं बोलूंगी तो. एक्चुअली मैरिज एनिवर्सरी तो है 12th, लेकिन एक्चुअली वी डेटिंग ईच अदर तो बोल सकते हैं 18 ईयर्स कम्प्लीट हो गए हैं हम लोगों की. तो इट्स लॉन्ग टाइम, 18 ईयर्स. तो आज बहुत बहुत कुछ स्पेशल डे है. एक्चुअली क्या होता है कि सुबह में आज सुबह का ब्लॉग जो मैं पोस्ट की थी, सुबह में मैं स्कूल गया. आज मंडे है तो सुबह में उसका स्कूल तो ऑफ करा नहीं सकते थे, तो बस वो स्कूल गया है. शेखर जी निकले थे अपना काम के लिए 3-4 घंटा के लिए, क्योंकि उनको भी बहुत इम्पोर्टेंट काम था, जिम जाना था, तो बस वो भी चले गए. और मैं घर में पीछे से तैयारी करने लगी थी. एक्चुअली क्या होता है ना कि जब सब कोई काम से जाए, देखिए काम तो कोई नहीं छोड़ सकता. आप लोग बोल सकते हो कि छुट्टी क्यों नहीं ले लिया. मैंने छुट्टी लिया नहीं ना, मैं आप लोगों के पास ब्लॉग पोस्ट कर रही हूँ बराबर से, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई दिक्कत ना आए. 2-3 दिन गैप हो जाने से फिर बहुत कोई सवाल करने लगते हैं कि दी इतना गैपिंग दे देते हो, फिर आप लोग देखना नहीं चाहते हो. तो मैं गैप नहीं दे रही हूँ, तो उनका भी काम है, इसलिए उनको भी निकलना था. आज छुट्टी करने वाले थे लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट था, कॉल आ रहा था, तो मैंने बोला कि नहीं आप काम कंप्लीट करके आओ. पीछे से मैं तैयारी कर रही थी तो सुबह का ब्लॉग तो चला गया ऐसे ही नॉर्मल दिन का तरह गया. लेकिन 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 अभी मैं फ्रेश होके आई हूँ, मेरा पूजा पाठ सब हो चुका है और मैंने ये आउटफिट पहना. मतलब मैं दिखा रही हूँ थोड़ा देरी में, ये सलवार कुर्ता है व्हाइट कलर की. ये पहले शायद मैं आप लोग देख चुके हो ब्लॉग में, मैं पहले बहुत बार पहन चुकी हूँ, मंदिर जाने का टाइम पे बहुत बार पहनी हूँ, आप लोग भी देखे होंगे. तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा तैयार शैयार हुआ जाए. तो बाय द वे मैं आज ना बहुत स्पेशल कुछ बनाने वाली हूँ, शेखर जी का फेवरेट जो दुधिया चावल होती है ना, उसका राइस बनाने वाली हूँ, जो एक्चुअल खीर में यूज होता है, गोविंद भोग चावल. वो शेखर जी का बहुत फेवरेट है, तो मैंने सोचा कि हस्बैंड के लिए वो बना देती हूँ और उसके साथ मटन कड़ी बना देती हूँ. मटन कड़ी एक्चुअली उनका सबसे ऊपर. आप अंडा कड़ी दे दो, आप कुछ भी दे दो, फिश दे दो, चिकन करी दे दो. ऐसे तो नॉर्मली चिकन करी बनता है लेकिन उनका फेवरेट है मटन करी. मैंने आज मंगाया है और बाय द वे मुझे निकलने का टाइम मिला नहीं था तो मैंने ऑर्डर कर दिया है. तो बस आता ही होगा, 10-15 मिनट में आ जाएगा. तो मैं वो बनाने वाली हूँ आज और रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी. हाँ बाय द वे कोई अच्छा सॉरी फॉर दिस नॉइज, घर में कुछ काम चल रहा है ऊपर में तो वो हो रहा है. बाय द वे मैं मटन करी आज कोई स्पेशल मुगलाई स्टाइल या फिर कुछ रेस्टोरेंट स्टाइल कुछ नहीं बनाने वाली हूँ, मैं ढाबा स्टाइल बनाने वाली हूँ एक्चुअली का फेवरेट. तो चलो फटाफट मैं तैयारी करती हूँ. और हाँ, आज मैं यूज करने वाली हूँ इसमें मेरा किचन का जो न्यू एडिशन है, जो ब्लॉग में आप लोग देखे हो, मैं आपको दिखा रही हूँ, एक मिनट दिखा रही हूँ. तो जी मेरा किचन का ये है न्यू एडिशन जो गैजेट्स, ये इलेक्ट्रिक चॉपर है. ये मैं ऑलरेडी रिव्यू कर चुकी हूँ, अब मैं रिव्यू नहीं करने वाली हूँ इसका, सीधा मैं यूज करने वाली हूँ. पिछले वाले ब्लॉग में जिसमें इसका रिव्यू गया था 1-2 ब्लॉग पहले, तो वो ब्लॉग में जो गया था ना इसका मतलब रिव्यू, ये आप लोग चेक कर लीजिएगा. मैं आई बटन में लिंक दे दूंगी, और सुबह का ब्लॉग भी नहीं देखे हो वो भी आई बटन में मैं लिंक दे दूंगी, आप लोग चेक कर लीजिएगा जरूर. डायरेक्टली आज यूज करूंगी और उसको उसको यूज करके कैसा लगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगी. और मैं पहली बार यूज करी हूँ. और बाय द वे ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, हस्बैंड ने गिफ्ट किया है मेरा. आज हम लोगों का एनिवर्सरी है तो आप लोगों को पता है ये क्या चाहिए तुझे, तो मैंने बोला था ये चाहिए तो बोला फिर आ गया. तो पूरा डिटेल मैं पिछले वाले ब्लॉग में दे चुकी हूँ, आप लोग आई बटन में चेक कर लो, ब्लॉग देख लो. एनीवेज
चलो मैं बहुत बातें शातें कर चुकी हूँ अभी आप लोगों के साथ। अभी मैं फिलहाल राइस और मटन करी बनाऊं, हस्बैंड भी आ जाएंगे, मैं को भी स्कूल से पिकअप करना है आज, और आज शाम को बहुत कुछ प्लान करके रखी हूँ तो वो सारे भी एग्जीक्यूट करना है एक्चुअली मुझे, तो मतलब हम दोनों को प्लान जो है, और क्या प्लान है वो मैं तो अभी नहीं बताऊंगी, वो मैं धीरे 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 पूरा ब्लॉग देखते रहो आप लोगों को पता चल जाएगा। एनीवेज मैं अपना आउटफिट दिखा दूं आप लोगों को पहले, और उसके बाद मैं स्टार्ट करती हूँ खाना बनाना, मतलब लंच की तैयारी करती हूँ। सो गाइस दिस इज माय आउटफिट, मैं जो आपको बोली थी सूट है, और ये यहाँ पे काम है, ऐसे सूता वर्क किया हुआ है, बहुत ही अच्छा है। और चलिए थैंक यू शिखा जी आ गए जिम से, और दिस इज माय गिफ्ट, थैंक यू सो मच से, थैंक यू। एंड इट वॉज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी, और यहाँ पे मैं मटन मंगा चुकी थी, तब तक आ भी गया था, डिलीवर्ड हो चुका था, तो उसको मैंने वॉश करके अच्छे से हल्दी और नमक से मैरिनेट करके इसको मैंने छोड़ दिया था कम से कम हाफ एन आवर तक। आपके हाथ में समय हो, टाइम हो, तो आप एक से डेढ़ घंटा छोड़ सकते हो। तो बस यहाँ पे मैं सारे कटिंग चॉपिंग मैं कर लूँगी, और मैं अपना अभी ये मोटा मोटा चॉप कर रही हूँ ना, तो इसको ना बारीक से चॉप करना है, तो मैं यूज़ करूँगी अपना नया वाला इलेक्ट्रिक चॉपर, उससे बहुत जल्दी भी हो जाती है, शायद मैं पहली बार यूज़ करने वाली हूँ। तो चलिए इसको साइड करते हैं और इलेक्ट्रिक चॉपर को ऑन करते हैं, देखते हैं ये कैसे वर्क करता है, वो तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी कैसे ये वर्क करता है। आई होप अच्छा ही वर्क करेगा, और पहली बार है ना, तो थोड़ी सी जी घबरा रहा था कि ठीक से हो जाए। बस पहले ही मैं ऑनियन इसमें चॉप कर रही हूँ, बेसिकली ये चॉपर ही है तो कुछ भी आप चॉप कर सकते हो, और आप बोलोगे कि मीठा बनाना चाहिए, तो इसमें मीठा मैं क्या चॉप करती, तो चॉपिंग में तो ऐसे ही, तो देखिए कितना अच्छा देखते ही देखते, साथ ही साथ जितना आपको चॉपिंग का ज़रूरत है, जितना मतलब बारीकी से चॉपिंग का ज़रूरत है, मिनटों में हो जाती है, लुक एट दिस। तो बस मैंने यहाँ कुकर चढ़ा दिया है, कुकर थोड़ी सी गर्म हो जाए, हॉट हो जाए, उसमें ऐड कर रही हूँ मैं यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल, अच्छी खासी 1 से 2 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल, उसके बाद बे लीव्स, दालचीनी, छोटी इलायची, लौंग, थोड़ी सी काली मिर्च जो साबुत वाली होती है, मेथी दाना, और सौंफ थोड़ा सा, और उसके साथ ही मतलब ये सारे मसाले आप ऐड कर दीजिए, और उसके साथ ही जो प्याज आपने चॉप करके रखा है वो प्याज ऐड कर दीजिए एकदम अच्छे से, मतलब 3-4-5 प्याज ऐड कर दीजिए मीडियम साइज़ का, क्योंकि ये बन रही है जी मटन करी और ढाबा स्टाइल, इसमें खूब सारी प्याज जाती है। प्याज जब तक भून रहे मेरा, मैं साइड में टमाटो को भी, 3-1 टमाटो मैंने ले लिया है, नहीं 4-4-1 टमाटर मैंने ले लिया है, और बस टमाटो जितना अच्छा होगा ज़्यादा जाएगा वो, उसका ग्रेवी भी अच्छी होगी। थोड़ी सी गार्लिक और थोड़ी सी अदरक मैंने ले लिया है, बस इसको फिर से चॉपिंग करना है एकदम बारीकी से, लेकिन टमाटो चॉपिंग मैंने किया वो पूरा पेस्ट बन गया था, मैं आपको दिखा रही हूँ अभी कैसे टमाटो मेरा पेस्ट बन गया है इसमें, ये देखिए एकदम कुछ मतलब प्योरे बन गया है, नामो निशान नहीं है चॉपिंग का, तो यही मुझे चाहिए था, थोड़ा सा टमाटो प्योरी मुझे मिल गया यहाँ पे, और बस प्याज भी थोड़ी बहुत भुन चुकी है, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ अभी मटन जो मैंने मैरिनेट करके ऑलरेडी रखा हुआ था, तो बस वो मटन ऐड करने के बाद थोड़ा सा इसको स्टर दे दीजिए, और स्टर देने के बाद इसको ढक्कन लगा के कम से कम 1 से 2 सीटी ले लीजिए, मैंने 2 सीटी लिया है यहाँ पे, 2 सीटी के बाद इसको मैं अपने आप सीटी रिलीज़ होने दिया, मतलब प्रेशर रिलीज़ होने दिया, एंड लुक एट दिस, मटन थोड़ी सी मटन तो गलती नहीं है इतना जल्दी, लेकिन प्याज थोड़ी बहुत गल चुकी है, प्याज का नामो निशान आपको बहुत ही कम दिखाई पड़ेगा, और जितना वाटर था ना थोड़ा बहुत वो रिलीज हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटो, जिंजर और गार्लिक का जो प्योरी बनाए थे वो ऐड कर दूँगी इसमें,
रिंस करके थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिए, और ऐड करने के बाद इसको बहुत अच्छा से एक मिक्स दे दीजिए ताकि ये पूरा मटन के साथ कोडेड हो जाए। देन आपको लीड लगा के इसमें दो सीटी, एक या दो सीटी फिर लगानी है। मैं एक सीटी इसमें लगाई थी और एक सीटी के बाद मैंने गैस ऑफ कर दिया था, और यहाँ पे मसाले में तैयारी करके रखी हूँ, दही रखा है मैंने, तो बस प्रेशर रिलीज जब तक हो रहा है तब तक यहाँ पे मैं मसाले का तैयारी कर ले रही हूँ। मसाले में मैंने लिया है दही, ये कटोरी का माप से है, नाप से एक कटोरी मैंने दही लिया है। इसमें मैं ऐड ऑन करूँगी हल्दी का पाउडर, हल्दी थोड़ा सा ज़्यादा जाती है तो इसलिए 3 छोटे चम्मच हल्दी, धनिया के पाउडर, धनिया के पाउडर भी थोड़ा सा ज़्यादा ही मैं ऐड कर रही हूँ, 3-4 छोटे चम्मच धनिया के पाउडर, और उसके साथ मैं ऐड ऑन कर रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, क्योंकि मेरा मटन 1 किलो के आसपास है, उस हिसाब से ही मैं यहाँ पे मसाले बना रही हूँ। और यहाँ पे मैं ऐड ऑन कर रही हूँ राजमा मसाला, आप चाहे तो मीट मसाला ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो ढाबे वाली टेस्ट लाने के लिए ना मैं यहाँ पे राजमा मसाला ऐड कर रही हूँ, थोड़ी सी 2-3 छोटे चम्मच मैंने ऐड किया, और बाय गॉड ये टेस्ट में बहुत चेंजेस लाया था। आप लोग इसी तरह से बना के देखिएगा, आपको टेस्ट और मतलब टेस्ट में जो चेंजेस है ना खुद ही आपको पता चल जाएगा। तो बस ये राजमा मसाला मैंने यूज़ किया है यहाँ पे, किसी भी ब्रांड का राजमा मसाला ले लीजिए, ये कोई प्रमोशनल वीडियो तो है नहीं, मैं खुद यूज़ कर रही हूँ वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। थोड़ा सा वाटर ऐड ऑन कीजिए इसमें और इसको एक अच्छी तरह का पेस्ट बना लीजिए, लिक्विड टाइप का जो पेस्ट होती है ना, मतलब घोल टाइप का बना लीजिए, लेकिन पूरी तरह से घोल नहीं, पेस्ट भी नहीं, थोड़ी सी थिक कम रखिए बस। मसाला को इस तरह से पेस्ट बनाने के बाद देखिए सीटी अपने आप प्रेशर रिलीज हो चुका है, अभी भी इसमें उबाला आ रहा है, तो लुक एट दिस, अभी तक कोई मसाले नहीं गया लेकिन मटन का कलर आना स्टार्ट हो गया, हल्दी और नमक का कलर। तो बस यहाँ पे 2 सीटी मैंने लिया था, फिर अभी मैं गैस को फिर से ऑन की हूँ इसलिए इतना ज़्यादा उबाला आ रहा है। बस उबालते हुए मैं आप दही का जो पेस्ट है वो मिला दीजिए, गैस ऑफ करके, फ्लेम ऑफ करके मत मिलाइएगा, नहीं तो दही फटने का चांसेस रहती है। फुल फ्लेम में जब उबाल आ रहा हो तो उबाल में उसको डाल दीजिए, मतलब मसाले का पेस्ट को, बस एक बार स्टर दे दीजिए हल्के हाथों से, ज़्यादा आपको मसाले को भूनना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। इसको अब ढक्कन लगा के इसमें ना मैं ऐड कर रही हूँ कसूरी मेथी, ये भी बहुत स्वाद देती है, लास्ट में ये ऐड किया कसूरी मेथी, और कसूरी मेथी ऐड करने के बाद थोड़ा सा मिक्स दे दीजिए अच्छा से, गिव इट टू अ गुड मिक्स, वेरी गुड मिक्स एक्चुअली, एंड उसके बाद कुछ भी आपको नहीं करना है। थोड़ा सा नमक देना बाकी रह गया था, मैंने नमक ऐड ऑन नहीं किया था, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ। मैं मटन में ऑलरेडी नमक डाल के मैरिनेट की थी, लेकिन फिर भी ग्रेवी में थोड़ी सी नमक नहीं होने से फीकी लगेगी बोल के थोड़ी सी और नमक ऐड ऑन कर दिया इसमें, और इसको एक मिक्स दे दूंगी बहुत अच्छा से। और ये देखिए मटन तो ऑलमोस्ट गलने लगा है लेकिन पूरी तरह से नहीं, इसको ढक्कन लगा के ना 2-4 मिनट इस तरह से पका लीजिए, तो इसका जितना फ्लेवर है ना सब मतलब अच्छे से मटन में घुल मिल जाएगा जो फ्लेवर होती है, तो बस मसालों का जो फ्लेवर है, और आपको कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे, एक स्टर दीजिए। और इसमें ना मैं पोटैटो ऐड की हूँ लास्ट में, बड़ा बड़ा साइज़ का पोटैटो ताकि पोटैटो गल ना जाए, थोड़ी सी चीनी ऐड कर रही हूँ क्योंकि टमाटो और दही का खट्टेपन को एडजस्ट करने के लिए। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ कोरिएंडर लीव्स, ये फिनिश नहीं है जी, इसको कोरिएंडर लीव्स ऐड ऑन करने के थोड़ी सी इसको मिक्स दे देंगे अच्छे से, कलर ऊपर से उभर के आया है लेकिन मटन गला नहीं, इसको 4 सीटी लेंगे और मटन तैयार हो जाएगा। तो इस टाइम मयंक भी स्कूल से आ चुका है और हम लोगों का लंच भी रेडी है, दुधिया चावल का राइस मैंने बनाया था, उसके साथ ये रहा ढाबे स्टाइल मटन करी, और एकदम ढाबा स्टाइल में ही मैंने इसको सर्व किया था। सलाद मैंने अलग से कट कर लिया था, वो मैंने यहाँ पर दिया नहीं, और मतलब बाद में कट किया था, और ये बहुत ही टेस्टी बना था, आप लोग ज़रूर से घर पे बनाइएगा मटन करी। मैं सामने से दिखा रही हूँ, ये देखिए क्लोज़अप में दिखा रही हूँ कितना डिलीशियस बना है मटन करी, आप लोग ना घर में इसी स्टाइल पे बनाइए, और ये ज़्यादा मेहनत वाला काम भी नहीं है, ज़्यादा भूनना भी नहीं है, बहुत अच्छी बन भी जाए। गुड इवनिंग एवरीवन, अभी शाम को ये रहा मेरा आउटफिट आज का, मैं दिखा दूँ
हिल रहा है ना कैमरा, ये देखो ये वाला आउटफिट शेखर जी गिफ्टेड मी एंड वी आर गोइंग आउट। थोड़ा सा बाहर निकल रहे हैं हम लोग, बाहर जाए थोड़ा सा घूम घूम के आए, देखिए थोड़ा सा केक शॉप जाने का मन है। तो चलिए पहले निकलती हूँ और शेखर जी इज रेडी टू गो एंड दिस लुक्स क्वाइट गुड। तो चलो निकलती हूँ फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से। फाइनली वी आर इन केक शॉप, लेकिन आधा से ज़्यादा केक बिक चुका था, पेस्ट्रीज सारे थे और जो एक्चुअली बर्थडे एनिवर्सरी वाले केक होते हैं वो सारे बिक चुके थे, कुछ ही बचे हुए थे। देखिए साइड का काउंटर एकदम ऑफ है, लाइट्स ऑफ है, मतलब सारे जो केक्स हैं वो सेल हो चुके थे, तो यही बचा था कुछ एक तो हम लोगों ने लेके आए। ये हम लोगों का पसंदीदा भी था, तो लुक एट दिस केक, कितना अच्छा लग रहा है ना देखने में। ये हम लोगों का एनिवर्सरी केक है, इसको अभी डेकोर करेंगे अच्छे से सजाएंगे बहुत अच्छे से, देखते हैं किस तरह से डेकोर करते हैं। और दिस इज़ आवर केक, लुक एट दिस। अब मयंक और शेखर जी लगे पड़े हैं कि इसको डेकोर करने के लिए, और बहुत अच्छा डेकोरेशन किए भी थे। एक्चुअली हम लोग का सिंपल सा एनिवर्सरी गया, लेकिन बहुत अच्छे से बिताए हम लोग, फुल फैमिली हम लोग साथ में थे, मम्मी दादा, थोड़ी देर में आप लोगों को पता भी चल जाएगा, तो फुल फैमिली साथ में थे, एक साथ एंजॉय किए और बेहद अच्छा दिन गुजरा आज का दिन, बेहद फैमिली टाइम था, मतलब इट्स अ प्राइम मोमेंट, मतलब सारे फैमिली इकट्ठे। ये देखिए हम लोग, दादा है यहाँ पे, मम्मी है मेरी, मयंक है, शेखर जी है, इट्स लाइफ का बेस्ट मोमेंट है मेरे लिए, बेस्ट डे था मेरे लिए एक्चुअली, सब फैमिली इकट्ठे हम लोग थे। तो बस यहाँ पे अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे केक कटिंग सेरेमनी। मयंक इज सो मच एक्साइटेड, तो मतलब मम्मी पापा का एनिवर्सरी केक मिल गया तो ही इज सो मच एक्साइटेड। फाइनली हम लोगों का केक कटिंग हो चुका है और थोड़ा सा नोक जोक करते हुए हम लोग यहाँ पे बिता रहे हैं, एंड एनिवर्सरी का पहला केक बाइट मयंक के लिए, एंड उसके बाद मेरे और शेखर जी के लिए, एंड उसके बाद सबके लिए। एक्चुअली इस टाइम पे हम लोग इतना ज़्यादा एक्साइटेड थे, स्पेशली मी, इतना ज़्यादा भावुक हो गए थे ना पूरे फैमिली एक साथ। मुझे ना अपना पुराने दिन याद आ रहे थे कि काश पापा भी होते, काश सब कोई और होते, तो बस बहुत इंजॉय करते, लेकिन चलो यही मोमेंट था, हम लोग इंजॉय किए। उसके बाद हम दोनों बैठे आपस में, थोड़ा सा फैमिली टाइम इंजॉय किए, मयंक भी आ गया था। बस इस तरह से गया हम लोगों का फुल डे एनिवर्सरी। ब्लॉग में कुछ भी अच्छा लगे, आपको कुछ भी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। सिंपल तरीके से एनिवर्सरी मनाएं, लेकिन बहुत
बहुत अच्छा गया आज का दिन, बेस्ट डे फॉर मी था आज का दिन, सब फैमिली इकट्ठे थे, बस इससे ज़्यादा और क्या चाहिए इंसान को, कुछ नहीं, सारे फैमिली इकट्ठे रहे बस वही बहुत है। तो चलिए इसके साथ मैं आ गई हूँ आज ब्लॉग का एंड में, मुझे दीजिए इजाज़त, और कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर चैनल में नए हैं तो डू सब्सक्राइब माई ब्लॉग, और ब्लॉग देखते हो आप तो कुछ इम्पॉर्टेंट लगे, रेसिपी अच्छा लगे तो आप फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हो। चलिए इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त, टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जस्ट टिप्स फॉर न्यू इंडियन मॉम विद परमा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, कल मिलते हैं फ्रेश ब्लॉग में किसी नई रेसिपी के साथ।